नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे खबर बिहार 24। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। बिहार में टूट का सिलसिला जारी है। बिहार में इसी हफ्ते बिहार चुनाव होनी है, उसकी घोषणा तारीख की हो जाएगी। लेकिन बिहार में जहां एक ओर महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग का विवाद खत्म है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एनडीए में कुछ अच्छा नहीं है। 147 सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ने का मन बनाया है और सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिलती है कि एलजेपी 147 सीट पर चुनाव लड़ेगी, उन सारे सीटों पर चुनाव लड़ेगी जिन सीटों पर जदयू सरकार के उम्मीदवार होंगे, यानी भाजपा से सीधा टक्कर एलजेपी यानी चिराग पासवान नहीं लेना चाहते। लेकिन चिराग पासवान बिहार सरकार से टक्कर लेना चाहते हैं। आपको याद हो कि 2005 में जब लालू प्रसाद की सरकार थी तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में एलजेपी ने उम्मीदवार उतारा था और इसका नतीजा हुआ कि लालू प्रसाद की सरकार चली गई और जदयू के नीतीश कुमार की सरकार बन गई। फिर उसी तर्ज पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार जदयू के खिलाफ उतारेगी 147 सीट पर और कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई तोड़ मरोड़ नहीं, कोई समझौता नहीं, ऐसा सूत्र के हवाले से जानकारी मिलती है। यह भी जानकारी मिलती है कि भाजपा के साथ टक्कर नहीं लिया जाएगा लेकिन जदयू सरकार की नीतियों के खिलाफ कार्य किया जाएगा और एलजेपी संसदीय दल की कमेटी ने यह भी तय किया कि चिराग पासवान एमएलए के चुनाव लड़ेंगे, वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। साथ ही साथ चिराग पासवान पूरे बिहार घूमकर फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी का नारा को बुलंद करेंगे और मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे। सूत्र के हवाले से यह भी जानकारी मिलती है कि नीतीश कुमार से चिराग पासवान का 36 का आंकड़ा है जो विवाद समाप्त नहीं हो रहा। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को कई स्थान पर प्रताड़ित किया जो चिराग पासवान भूलना नहीं चाहते। एनडीए टूट के कगार पर नहीं, टूट चुकी है, ऐसा जानकारी मिलती है और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए से चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान ने यह भी कह डाला कि नीतीश कुमार को हिम्मत है तो वो अकेले चुनाव लड़कर देख लें। बैसाखी के सहारे मुख्यमंत्री बनना और फिर तानाशाही रवैया अपनाना, यह नहीं चलेगा। बिहार के आम जनता के तकलीफों, आम जनता के कमियों को दूर करने के बजाय बिहार सरकार हिटलर शाही रवैया अपनाकर बिहार के जनता का शोषण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है। यह नब्ज भाजपा ने पकड़ लिया कि नीतीश कुमार का अब नैया डूबना तय है। अगर चिराग पासवान अकेले लड़ते हैं और अच्छी खासी सीट आती है और भाजपा स्वयं सीट ले आएगी तो दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। यह बहुत बड़ी षड्यंत्र राजनीति इसे आप कह सकते हैं। मैं इस बात को नहीं कहता, यह उदाहरण हमने 2005 का भी दिया। उसी तर्ज पर चिराग पासवान ने शुरुआत करा है लड़ाई और इस लड़ाई में अब देखना है क्या होता है। लेकिन अब तक एनडीए में कुछ सही नहीं है, एनडीए टूट चुकी है, नीतीश कुमार की नैया डूबनी तय है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में बनकर सामने आया है। मेरी पैनी नजर इस खबर पर रहेगी। जो भी खबर मिलती है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो लाल बटन घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि बढ़िया से बढ़िया समाचार सबसे पहले आपको मिले। कमेंट बॉक्स में भी जाके आप अवश्य लिखें, लाइक कर दे वीडियो को, साथ ही साथ अपने दोस्तों यारों मित्रों सगा संबंधी पड़ोसियों को भी यह वीडियो आप अपने स्तर पर शेयर करें। और चुनाव की तैयारी हो रही है,
चुनाव होनी है, आप भी भागीदार बनेंगे। धन्यवाद।